सो ऑर्गेनिक कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं आई यू पी ए सी नोम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा ईजी बहुत आसान सा कुछ रूल्स हैं फाइव रूल फंडामेंटल रूल है, है कुछ नंबरिंग के लिए मेन चेन सेलेक्ट करने का कुछ रूल है वो मैं सिखाता हूं बहुत आसान सा टॉपिक है काफी ईजी है कॉमन नेम आपका कंप्लीट हो गया है कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नेम ऐसे 200 क्वेश्चन पूछा हुआ एक है एग्जाम में जो कि क्लास में मैं सीट देता हूं और दिखाता हूं आपको और आई पी नेम से भी पूछा जाता है बट ये आसान है बहुत ज्यादा इजी सो स्टार्ट so, करते हैं नंबर वन एक कंपाउंड में लिखता हूं उसका नाम मैं पहले लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं कि आयोपेक नेम लिखने के लिए क्या क्या टर्म का जरूरत पड़ेगा तो सिंपल एकदम सिंपल जो हम लोग अपने स्कूल एग्जाम में भी यही पढ़ते थे एलेव क्लास में मेरे भी क्लास टीचर आते थे तो यही एक सिंपल एग्जाम्पल से इसे समझाते थे और बताते थे कि आई पे नेम लिखने के लिए आपको फाइव टर्म का जरूरत पड़ेगा पहले मैं नेम लिखता हूँ उसका ठीक है सिंपल एग्जाम्पल सबसे पहले नंबरिंग करना है वो क्या कै, कैसे किया जाता है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा पहले एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ नंबरिंग यहाँ से मैं करूँगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नेम में लिख रहा हूं नेम हो गया फोर क्लोरो साइक्लो हेक्स ए एन वन ओवेल कैसे मैंने लिख दिया ये अभी लिख लेंगे बहुत इजी है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं समझाता हूं अब इस आईपेक नेम लिखने के लिए इसमें अब मैं स्प्लिट कर रहा हूं मुझे फाइव टर्म की जरूरत पड़ेगा क्या क्या फाइव टर्म है तो सबसे पहले है कि फोर क्लोरोलो साइक्लो, साइक्लो ये अलग टर्न हेक्स, हेक्स ये अलग टर्न देन एन ए एन अलग टर्न और ये जो वन वेल्व मैंने लिखा है ये अलग है इतने टर्म चाहिए फाइव टर्म मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा आपको सबसे पहले एक जस्ट एक नोमिन मैंने लिखा पूरा नाम लिखा हुआ है उस नाम को स्प्लिट करना है फाइव डिफरेंट टर्म जो मिडिल में बैठा हुआ है ये मिडिल वाला टर्म है इसको हम लोग साइंस में वर्ड रूट बोलते हैं ये है अ वर्ड रूट क्या इंडिकेट करता है कैसे इसका यूज होता है वो मैं समझाऊंगा बीच में टाइम जो बैठा हुआ है वो वर्ड रूट पहले जो लोग आए हुए हैं जो लोग पहले आए हुए हैं और जो लोग बाद में आए हुए हैं ये ये जो दो लोग जो हैं वर्ड रूट से पहले आए हुए हैं पहले वाले लोगों को बोला जाता है प्रिफिक्स प्रिफिक्स जो पहले वर्ड रूट से पहले आ गए प्रिफिक्स और वर्ड रूट के जो बाद में जो लोग आए दो लोग बाद में आए तो इन लोग का नाम बोला गया कि ये लोग हैं सफिक्स ये है सफिक्स तो वर्ड रूट सेंटर में रहेगा पहले जो आया बाद में जो गया वो सफिक्स इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड करना है जैसे वर्ड रूट के जस्ट बाद जो आया वो प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स और जो इसके बाद आया वो हो गया सेकेंडरी सफ़िक्स सफ़िक्स रूट से जस्ट पहले आ गया वो हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स प्रीफिक्स और जो इधर आया वो सेकेंडरी प्रीफिक्स यही फाइव टर्म पहले जाना है सबसे पहले आपको इन पांच टर्म को क्लियर करना है ये वर्ड वर्ल्ड रूट क्या है क्या इंडिकेट कर रहा है कैसे इसका नाम लिखा जाता है उसके बाद जो सफिक्स हो गए दो सफिक्स कैसे हम लोग पहचानेंगे और जो दो प्रीफिक्स हुए वो कैसे जानना है तो फाइव टर्म ये फंडामेंटल पहले ये जानेंगे और ऐसे करके पांचों टर्म को जोड़ना है सबसे पहले सेंटर में वर्ड रूट पहले जो दो प्रीफिक्स बाद में दो सफिक्स मैं अब एक एक करके हर एक टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ फाइव रिजल्ट ये है उसके बाद मेन चेन सेलेक्ट करना नंबरिंग करना वो सब मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट मैं मिटा रहा हूं आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से नोट करना है आपको एक करके टर्म में समझाता हूं आपको सेकेंड टर्म में द वर्ल्ड रूट ये वर्ल्ड रूट क्या है तो ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने कार्बन है मेन चेन में वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम कार्बन आइटम इन मेन चेन सो मेन चेन में कितने कार्बन आइटम है वो इंडिकेट करता वर्ड रूट इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मेन चेन जैसे ये है नंबर ऑफ कार्बन और इसका जो वर्ड रूट हुआ C1 वन वन कार्बन मेथ टू कार्बन सी टू ई इथ बहुत आसान सा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक तो वन टू थ्री थ्री पेंट प्रोप प्रोप थ्री कार्बन फोर ब्यूट पेंट सी फाइव पेंट सी सिक्स हेक्स Seven hept eight oct C eight oct C nine known. टेन सी डेक सी एलेवेन अनडेक 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 अन को बोलते ट्वेल्व डो डेक ट्वेल्व डो डो डेक थर्टीन ट्राई डेक ट्राई डेक फोर्टीन टेट्रा टेट्रा डेक पेंटा डेक ऐसे चलेगा आप सिफ फोर्टीन टेट्रा डेक सी फिफ्टीन ऐसे ही आपको बढ़ते रहना है और ट्वेंटी ट्वेंटी का थोड़ा सा डिफरेंट नेम है ई आई ओ एस आपका सिलेबस में टेन तक ही है कभी कभी इलेवन ट्वेल्व पूछा जाता है बट सिलेबस में टेन तक ही है नेक्स्ट नंबर का भी आपको आईपेक नेम जानना है मैथमेटिकल नंबर मोनो ट्राई टेट्रा ये कॉम्प्लेक्स में भी जरूरत पड़ता है ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी सो मैथमेटिकल नंबर और उनका आई यू पी नेम नंबर में जैसे वन है वन को हम लोग बोलते हैं मोनो डाई थ्री ट्राई फोर टिट्रा फाइव पेंटा सिक्स हेक्सा टेन तक नंबर लिखेंगे सिक्स हेक्सा, सेवन हेप्टा एट ऑक्टा नाइन नोना टेन डेका हो सो फर्स्ट पॉइंट जो वर्ल्ड रूट आपको जानना था वो यही है नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है कैसे यूज करना है वो तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको समझा दूंगा मैं कैसा अप्लाई करना है नेक्स्ट पॉइंट वर्ड रूट के जस्ट बाद सफिक्स प्राइमरी सफिक्स देखते हैं तो हम लोग ने वर्ड रूट सीख लिया क्स्ट प्राइमरी सर्फिक्स अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं प्राइमरी सर्फिक्स ये बहुत छोटा है बहुत सिंपल सा ये बस इंडिकेट करता है कि कंपाउंड जो है हाँ आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है बस सिंपल सा the compound is H saturated or unsaturated. तो ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड आपका सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है सिंपल नेक्स्ट तो ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड आपका सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड क्या है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन तो सिंपल देखिए ऐसे अगर आपके पास सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड तो ये है सेचुरेटेड होते हैं। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सेचुरेटेड सेचुरेटेड कंपाउंड अल्केन जैसा अल्केन है सेचुरेटेड है और अगर आपके पास डबल बॉन्ड है समथिंग लाइक पाई बॉन्ड या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड जो होते हैं इनको बोला जाता है अनसेचुरेटेड जिसमें पाई बॉन्ड है अनसेचुरेटेड। तो ये है अनसेचुरेटेड कंपाउंड नेक्स्ट अब इनके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या है वो मैं बता देता हूं छोटा सा तो है ये।, ये है ग्रुप और प्राइमरी सफिक्स अगर सेचुरेटेड है अगर कंपाउंड सेचुरेटेड है देखिए, ऐसे सेचुरेटेड तो बस इसका नेम ए एन ई -E लगाना है एन ई के अगर ये अनसेचुरेटेड है और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में इसके नेम में लगाना है ई एन ई और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई -E। तो वाई एन ई -E। सिंपल बस यही तीन टर्म नाम लिखना शुरू कर सकते हैं नेम लिख सकते हैं आप दो टर्म भी जान गए तो आप लिख सकते हैं नेम जैसे देखिए सिंपल मान लीजिए आपके पास आ गया सी एच थ्री और सी एच थ्री एकदम आसान टू कार्बन देखिए तो टू कार्बन को अभी आपने बोला eth टी एच ई टी एच सेचुरेटेड है तो ई टी एच ए हो गया हो गया आई पैक में इथेन सब लोग जानते हैं सब लोगों को पता है छोटा सा आई पैक ने वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स जो है एकदम छोटा सा सो so, नेक्स्ट अगर मुझे ऐसे लिखना हो आप जानते हैं टू कार्बन टू कार्बन को हो गया ई टी एच और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का होता है इन टू कार्बन इटीएच ट्रिपल फोन वाई एन ई टी एच वाई एन ई Okay, तो छोटा छोटा नेम आप स्टार्ट कर सकते हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन नेक्स्ट थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है अल्केन सेचुरेटेड थ्री कार्बन मेथ एथ प्रोप थ्री कार्बन वर्ड रूट प्रोप तो पी आर ओ पी सेचुरेटेड है प्रोपेन ओके okay, नेम वर्ड रूट और प्लस प्राइमरी सफेक्ट्स नेक्स्ट नेम लिख सकते हैं प्रो ई एन ई वन प्रोपीन भी लिख सकते हैं नहीं लिखा हुआ उसका मतलब वन ही है आप, आप ऐसे लिख सकते हैं वन प्रोपीन या प्रोपीन भी लिख सकते हैं सिंपल सिर्फ प्रोपीन भी लिख सकते हैं प्रोप थ्री कार्बन और ई एन ई सो प्रोप वाई एन ई प्रोपाइन हो गया दो टर्म कंप्लीट वर्ड रूट और प्राइमरी सर्फिक्स प्राइमरी प्रिफिक्स में बहुत छोटा है बहुत छोटा so next fourth point देखिए ये वर्ड रूट से पहले इधर लगा था तो प्राइमरी सब फिक्स था तो अभी हम लोग इस साइड आ रहे हैं एकदम तो इची ये तो और छोटा है एक ही लाइन का तो है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड जो है ओपन चेन है या साइक्लिक तो बहुत छोटा सा सो इंडिकेट द कंपाउंड इज साइक्लिक ज साइक्लिक और ओपन चेन ओपन चेन कंपाउंड तो साइक्लिक कंपाउंड है कि ओपन चेन कंपाउंड है ये इंडिकेट करता है और इसका जो रिफ़िक्स हो गया साइक्लो लगता है फोर साइक्लिक कंपाउंड फोर साइक्लिक कंपाउंड प्राइमरी प्रेफिक्स प्राइमरी प्रेफेक्स जो लगेगा वो साइक्लो साइक्लो लगता साइक्लिक so, कंपाउंड के लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा वो है साइक्लो साइक्लो लगता है जैसे नेम समझिए मान लीजिए आपका ये कंपाउंड सी एच थ्री सी एच टू और सी एच थ्री है आप नेम जानते हैं इसका इसका नाम जानते हैं प्रोपेन प्रोपेन थ्री कार्बन है वर्ड रूट प्रोप और उसके बाद जो लगने वाला है सफिक्स तो प्रोपेन बट अगर यही कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूं इस तरह से प्रेजेंट करूं देखिए यही कंपाउंड को मैं ऐसे प्रेजेंट ऐसे, थोड़ा और बेटर फॉर्म अगर सेम कंपाउंड को मैं ऐसे प्रेजेंट करूं ऐसे या फिर मैं ऐसे लिखूं इसी कंपाउंड को मैं इस तरह से प्रेजेंट करूं ऐसा प्रेजेंट करूं तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन है तो तीन ही कार्बन प्रोप वन टू थ्री प्रोप ए एन बट ये रिंग हो गया तो रिंग हो गया तो प्रोप वर्ड रूट से पहले वर्ड रूट से जस्ट पहले साइक्लो लगा देना है तो ये इसका नाम हो गया साइक्लो साइक्लो प्रोपेन हो गया देखिए एक बीच में वर्ड रूट हो गया और इधर हो गया सफिक्स प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी प्रिफिक्स तो ऐसे नेम लिखा जाता है बहुत ज़्यादा ये चीज एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जैसे मैंने ऐसे लिखा या इसको मैंने प्रेजेंट किया ऐसे तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन ये है ब्यूटेन ये ब्यूटेन हो गया ठीक ब्यूटेन नेक्स्ट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो, या वही चारों कार्बन ऐसे लिख दू तो, या वही चारों कार्बन सी एच टू और सी एच टू सी एच टू सी एच टू ऐसे लिख दू तो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन साइक्लो साइक्लो ब्यूटेन तो ब्यूटेन ब्यूटेन में ये ब्यूट वर्ल्ड हो गया जो इसके बाद गया प्राइमरी से फिक्स हो गया और इससे पहले आया प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन ये है साइक्लोब्यूटेन हो गया दो टर्न और नेक्स। प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स हम लोग प्लान करते हैं फाइव सेकेंडरी सफेक्ट्स suffix. तो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग ये हो गया ये टर्म हो गया सेकेंडरी सफिक्स ये इंडिकेट करता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो आपको टॉपिक पढ़ना है जैसे अल्केन अल्किन अल्काइन तो हो गया ये अल्किन अल्किन अल्काइन तो ये इंडिकेट कर देता है उसके बाद अल्काइल हाइलाइट अल्कोहल ईथर एल्डिहाइड कीटोन एसिड एसिड एंड डेरिवेटिव नाइट्रो तो वो ग्रुप्स को इंडिकेट करता है तो ये इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ग्रुप प्रेजेंटेड इन कंपाउंड इन कंपाउंड इंडिकेट करता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड चलिए हम लोग बनाते हैं सो सेकेंडरी सफेक्ट और इधर हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप इधर हम लोग बनाएंगे सेकेंडरी। सफिक्स।, ये, सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट करते हैं लिस्ट बनाते हैं हम लोग अल्काइल हाईलाइट पे आते हैं हम लोग अलकाइल टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं जैसे एक्स करना है यहां पे एक्स तो इसका नाम होगा इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग पहले हेलो हेलो पहले लिखाता है मैं समझाऊंगा हर एक के बारे में बताऊंगा आपको पहले लिख लीजिए हेलो ठीक है अब इसमें चार पार्ट है जैसे तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो का नाम हो जाएगा आइडो क्लोरो, ब्रोमो और आइडो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं अल्कोहल इसके बाद अगला टॉपिक होता है अल्कोहल तो यहां लिखेंगे अल्कोहल अल्कोहल को प्रेजेंट करना होता है ओच और लिखेंगे ओ और एच और इसका नेम हो जाएगा ओ एल ओ एल आयोपिक नेम में इसका जो सफिक्स जाएगा सेकेंडरी सफिक्स ओ एल मैं बताऊंगा प्रैक्टिस खूब कराऊंगा मैं समझाऊंगा कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा सब नेक्स्ट अगला टॉपिक ईथर ईथर इथर में ऐसे तो इसका नाम जो होता है अल्कोक्सी ऑक्सी ऑक्सी लिख लीजिए ऑक्सी अल्कोक्सी ऑक्सी अल्किन वो मैं डिस्कस कर दूंगा अल्कोहल इथर हो गया नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डिहाइड एल्डिहाइड में ऐसे लिखेंगे सी एच ओ बॉन्ड अगर इसको ब्रेक करेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ एच है एल्डिहाइड और इसका आईपेक नेम जब लिखते हैं तो ए एल ए एल ए एल ये है नेम एल्डिहाइड के साथ साथ इसके इसका दूसरा ग्रुप जो इसी टॉपिक में पढ़ना है कीटोन कीटोन को प्रेजेंट करते हैं सी ओ बॉन्डिंग बनाएंगे सी डबल बॉन्ड ओ और इसका नाम हो जाएगा ओ एन ई एन ई कीटो एक्स एल्डहेड हो गया कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अगला टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड सीएच नेम so, हो जाएगा ओइक एसिड ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ओइक एसिड नेक्स्ट एसिड के डेरिबेटिव बहुत सारे डेरिबेटिव हैं, तो एसिड डेरिबेटिव में इस्टर इस्टर एसिड ये ग्रुप है ईस्टर ग्रुप ओइट इसमें नेम आएगा ओ ए टी ओइट एसिड ईस्टर हो गया नो एसिड क्लोराइड या एसिड एंड हाइड्राइट एसिड एंडहाइड्राइट एसिड एनहाइड्राइड तो नेम हो गया ओइक एंड इसका आयोग नेम है ओइक एंडहाइड्राइट तो ग्रुप पहचानिए आप ग्रुप का नेम मैंने लिख दिया है कोड ऐसा होता है और ये पूरा ब्रेक करेंगे बॉन्डिंग तो इस तरह से और इसका नाम आएगा उइक एंड नेक्स्ट एसिड का डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड जो हो गया वो हो गया ओ वाई एल ओ वाई एल क्लोराइड हो गया एसिड क्लोराइड टर एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइट एसिड एमाइट सी एन एच टू सी डबल बॉन्ड ऊ और ये है एन एच टू उसका नाम एमाइड एमाइड ही रह जाएगा ए एम आई डी एसिड एम तो ये है एसिड और उसका डेरिवेटिव हो गया नेक्स्ट ग्रुप इज साइनाइड नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप सो साइनाइड सी एन ये बॉन्डिंग हो गया इसका नाम होता है नाइट्राइल नाइट्राइल। तो नेम में जो सफिक्स यूज करते हैं नाइट्राइल इसके लिए नेक्स्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग में नाइट्रो अमीन, नाइट्रो एनओ टू इसका नेम नाइट्रो ही रहता है ऐसा लाइन उस साइड कर लेंगे कहीं में लाइन मैंने लेफ्ट साइड रखा है तो क्यों लेफ्ट और राइट यूज कर रहा हूं मैं नविन क्लेचर में बता दूंगा आपको अमीन NH2, टू बॉन्डिंग करेंगे बॉन्डिंग में ऐसा और नेम रहेगा अमीन का अमीन ही हो गया ग्रुप तो सारा जो हमें स्टडी करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया सारा ग्रुप और जो कॉमन नेम में हम लोग ने सीखा था मिथाइल विनाइल फिनाइल वो सब भी यूज होगा वो भी खूब यूज़ होता है तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं देखिए ये भी खूब यूज करेंगे आप एक नोम में मिथाइल शॉर्ट में, में एमई भी लिखते हैं इसको एमई एमई करके भी ऐसे लिखा जाता है कई जगह ईटी लिखा रहेगा या आपको सी टू फाइव ऐसे लिखा रहेगा सी एच थ्री सी टू सो इथाइल आप जानते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल नॉर्मल प्रोफाइल आइसो प्रोफाइल ये सब यूज होता है तो जैसे प्रोपाइल एन प्रोफाइल नॉर्मल प्रोफाइल आइसो प्रोफाइल सी एच थ्री सी और सी एच थ्री ऐसे ये ग्रुप रहेगा तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ये है आइसोप्रोपाइल लिखा रहता है ऐसे इस तरह कई बार एग्जाम में कोडिंग रहता है कि एन पी आर इसका कोडिंग ऐसे बना रहता है एन कोडिंग रहेगा एन और पी आर लिखा रहेगा या आई पी आर ऐसे लिखा रहेगा तो कोडिंग से रीड कर लेना है कि इसका मतलब आइसोप्रोपाइल है ऐसे एन नॉर्मल प्रोफाइल है ब्यूटाइल कर लीजिए ब्यूटाइल के फोर पार्ट रिपीट करिए सब यूज होता है कॉमन नेम में भी आयुर्वेद नेम में भी यूज होगा ब्यूटाइल के फोर पार्ट हुआ नॉर्मल ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्स ब्यूटाइल सो एक बार रिपीट करेंगे जल्दी से तो जो कॉमन नेम में ये पढ़े हुए हैं सब यूज होगा यहाँ पे एन ब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल में टू डिग्री होता है टू डिग्री कुछ ऐसे प्रेजेंट करेंगे आप सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री और ऐसे कर लेंगे यह है टू डिग्री या सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल लिखिए आइसोब्यूटाइल और टस्ट्री ब्यूटाइल लिखिए सो आइसोब्यूटेल, ओके टच श्री स्त्री ब्यूटाइल हो गए नेक्स्ट विनाइल एलाइल फिनाइल वो सारे ग्रुप यूज होगा यहां पे भी सो ये आप लिखेंगे विनाइल ये ग्रुप है विनाइल allyl 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 vinyl allyl. allyl next uh, phenyl सब ये यूज होता है सब आयोपेक नेम में यूज होता है फिनाइल और बेंजाइल फोर पार्ट बेंजाइल बेंजल, बेंजो, बेंजोल, जल्दी से लिखिए फोर पार्ट सो ये है बेंजाइल, यह है CH2 टू और वाली वन वैलेंस है इसमें तो बेंजाइल, बेचाइल बेंजल, बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, बेंचो बेंजो और बेंजॉयल एक बेंच तो हम लोग पढ़े हुए हैं सारा नाम ये सब सब यूज होगा कॉमन नेम जो है वो नेम में भी यूज होता है एस तो बेंजॉयल ये तो बेंजाइल बेंजल बेंजो और बेंजॉयल ये हो गया सेकेंडरी सफेक्स अब बच गया एक टर सेकेंडरी प्रिफेक्स चलिए उसका प्लान करते हैं हम सेकेंडरी प्रिफेक्स सिक्स सो ये है पैटर्न सेकेंडरी prefix इससे पहले हम लोग ने इसके जस्ट बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज होता था प्राइमरी प्रीफिक्स तो सिर्फ एक है साइक्लो साइक्लो अगर रिंग रहा तो नहीं रहा तो कुछ नहीं लिखेंगे और वर्ड रूट इसके आगे एक टर्म यहाँ था इसके आगे एक टर्म और था तो ये सब पढ़ लिया हम लोग ने हम लोग को अब इसके बारे में डिस्कस करना है ये सो so, ये क्या है सेकंडरी परफेक्ट कैसे लिखा जाता है वो मैं लिस्ट बना देता हूँ पहले मैं समझा देता हूँ आपको देखिए कोई एग्जाम्पल से जैसे मैं यही पहले बता दूं जो अभी मैंने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से तो उसी को मैं डिस्कस कर देता हूं जैसे ये है ओच और ये है सी एल ठीक है तो मैंने नंबरिंग जब किया था तो नंबरिंग मैंने किया था तो नंबरिंग मैंने ऐसे स्टार्ट किया था वन वन टू थ्री फोर और फाइव और सिक्स अब क्वेश्चन है क्यों क्यों मैंने वहां से स्टार्ट किया मैंने ऐसे क्यों नहीं स्टार्ट किया इसमें क्या प्रॉब्लम है ए, मुझे ऐसे मान लीजिए अगर मैं ये क्लोरीन और ओच ऐसे मैं ऐसे स्टार्ट करता अगर इस तरह स्टार्ट करता कि यहाँ मैं बोलता है इसको वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये देखिए अगर मैं ऐसे स्टार्ट करता तो ये वाला पार्ट गलत हो जाता और ये वाला पार्ट एकदम सही है जब कंपाउंड के अंदर जब एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसमें दो दो ग्रुप आ गया जैसे ये ग्रुप पढ़ना है हेलोजन हेलाइट ग्रुप है और एक ग्रुप है अल्कोहल तो उस केस में अब मुझे इसका हेल्प लेना है सेकेंडरी प्रिफेक्ट्स एक लिस्ट बनाऊंगा मैं एक टेबल बनाऊंगा उसको बोलते हैं सीनियरिटी टेबल उसमें जिसका पोजीशन ऊपर रहेगा जो सीनियर रहेगा उसको वन देना पड़ेगा नंबरिंग जैसे मैं लिस्ट बनाऊंगा अभी तो यहाँ अगर सीनियरिटी टेबल अगर मैं सीनियरिटी टेबल मैं बनाऊंगा मैं भी समझाऊंगा सीनियरिटी टेबल और उस सीनियरिटी टेबल में ओएच OH का पोजीशन ज़्यादा ऊपर है हेलोजन से इसलिए ये सीनियर है इसको नंबर वन देना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग फिर जूनियर को ऐसे घूमते हुए जाना पड़ेगा यहाँ इसको डायरेक्ट वन नहीं देना है ये इसी जगह पर हमें सेकेंडरी प्रिफिक्स यूज करना है जैसे और एग्जाम्पल मान लीजिए मैं साइक्लिक नहीं मैं सिंपल ऐसे बातें कर रहा हूँ जैसे सी एच थ्री हो गया और एस एस सी एच हो गया और यहाँ पे मैंने सी एन ले लिया यहाँ पे मान लीजिए कि ओ OH एच ले लिया और यहाँ पे मैं सी एच टू या कोई भी ऐसे ले लिया मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल मैं ले, ले रहा हूँ ओपन चेन भी मैं बना कर दिखाना चाह रहा था ऐसे ले लीजिए इस तरह से ठीक है अब मुझे नंबरिंग करना है तो नंबरिंग करना है तो जैसे ये ये थ्री कार्बन हो गया ऐसे ये थ्री कार्बन हो ऐसे थ्री कार्बन हो गया। तो नंबरिंग में देखिए ये दो ग्रुप है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा वो लिस्ट मैं तुरंत बना देता हूँ तो सीनियरिटी ठीक है जो लिस्ट है सीनियरिटी टेबल में सीनियरिटी टेबल में जो पोजिशन हो गया पोजिशन में जैसे ये इसको हमें सीओ ग्रुप है सीओच जो है वो ज़्यादा सीनियर होता है ओच से ओज से ज़्यादा सीनियर है तो वो उसके अकॉर्डिंग अभी हमें नंबरिंग करना है कार्बन का तो ये नंबर वन मैं दूँगा इसको नंबर टू इसको नंबर थ्री ऐसे, ये मैं नंबरिंग दूंगा ठीक तो नेक्स्ट मान लीजिए ये ये मैंने कर दिया ठीक है ये मैंने ऐसे लिख दिया तो अग, अगर अगर इसमें हम लोग अपना मेन चेन बनाएंगे जब तो मेन चेन देखिए थ्री का है बट इसमें आपको सीनियरिटी टेबल मैं बताऊंगा अभी मैं लिस्ट बना देता हूँ सीनियरिटी टेबल सीनियरिटी टेबल में ये जो साइनाइड है ये साइनाइड जो है वो ज़्यादा सीनियर होता है कंपेयर टू तो द एल्डिहाइड के ठीक है ये है लिस्ट ठीक है तो अब मैं अगर सीनियर टेबल में अब अपना मेन चेन ले रहा हूँ मेन चेन वो थ्री कार्बन का चेन लेना है और मुझे नंबरिंग करना है तो पहले मैं इसको नंबर करूँगा ये ये ज़्यादा सीनियर है तो कार्बन का नंबरिंग होता है तो कार्बन में वो साइनाइड का कार्बन ज़्यादा सीनियर है कंपेयर टू एल्डिहाइड तो वन टू एंड थ्री ये ऐसे लिखना है मुझे तो यहाँ मैंने नंबरिंग किया ये सीनियर था तो इसको लेते हुए मैंने नंबरिंग किया यहाँ पे जब सीनियर मैंने देखा कि अल्डिहाइड से भी ज़्यादा सीनियर साइनाइड है तो वो मैं यूज़ किया मैंने तो मैं सीनेटरी टेबल बना देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं कि सेकेंडरी सफिक्स का क्या नेम है कैसे यूज करना है सो so, सीनेटरी टेबल यहां पर मैं लिख देता हूं पहले ये आता है एग्जाम में सीनियरिटी टेबल डायरेक्ट चार ऑप्शन रहेगा बोलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है ये आता है पूछा जाता है पेपर में तो सीनियरिटी टेबल में सबसे ज़्यादा सीनियर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बाद है एसओ सल्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव ही हैं वो लोग लीड करते हैं एसिड के डेरिवेटिव में जैसे कि ये हो गया इस्टर एसिड एंड हाइड्राइट एसिड हाइड्राइड के साथ साथ ये हुआ इष्ट एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइट यह है सिनेट्री टेबल में एसिड के डेवेडिव लोग सबसे लीड करते हैं उसके बाद उसके बाद साइनाइट एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल सो एलडीहाइट कीटोन अल्कोहल नेक्स्ट एमीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हेलोजन, ईथर नाइट्रो तो हेलोजन, हेलोजन, ईथर इथर और नाइट्रो यह है सिनेटी टेबल का ऑर्डर जरूर पड़ेगा नमेट्रेशर लिखते समय तो ये है सिनेटी टेबल में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड एसिड एनहाइड्राइड इस्टर एसिड क्लोराइड एमाइड साइनाइड एल्डेहाइड कीटोन ओएच OH और एन फिर डबल वॉन डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी कई बार पूछा हुआ है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देन हेलोजन देन ईथर एंड देन लास्ट नाइट्रो अब नेम मैं लिख देता हूँ नेम नेम मैं समझा देता हूं। जैसे और मैं एप्लीकेशन भी एग्जाम्पल करके बता दूंगा और आगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेम पहले लिखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी prefix फंक्शनल ग्रुप एंड सेकेंडरी prefix yes. इसका नाम हम लोग कार्बोक्सी यूज करते हैं मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा कब कब कार्बोक्सी यूज किया जाता है मैं बताऊंगा आपको थ्री एच सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड ओइक एंड सो यह है ओइक एंड सो ओइक एंड

लोरोबोनाइट सो so, सीओ एनएच टू अमाइट या फिर कार्बोमोइल भी बोलते हैं कार्बोम अमाइट या भी बोलते हैं नेक्स्ट साइनाइट सीएन सीएन को साइनो बोला जाता है Cyano, cyano, aldehyde, formal, formal, oxo, oxo, OH, hydroxy, hydroxy. अमीन अमीन का अमीन ये अमीन का अमीन है ये लोग का सेम रहेगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन इन वायनिक एल्कोक्सी एक्स हेलो नाइट्रो एप्लीकेशन एकाक सिखा देता हूँ एकाक एप्लीकेशन में बता देता हूं कि कैसे यूज करना है इसको कब यूज किया जाता है बाकी तो क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत प्रैक्टिस करेंगे उसमें सब आएगा सारा चीजें आएगा जैसे समझिए मैं दो एग्जाम्पल आपको सिखाता हूँ जैसे कि सी एच थ्री और सी एच ओ एच और सी एच टू एक एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया एक और दिखाना आपको ये एक 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 ये मैंने ले लिया दो, mm -hmm. दो मैं समझा देता है। इसमें भी दो ग्रुप है ठीक है इसमें दो ग्रुप है और दो ग्रुप में आप जानते हैं कि सीनियरिटी जो सीनियरिटी जो ग्रुप है वो आप जानते हैं कि सीनियरिटी में सीओ ये एसिड ग्रुप ज्यादा सीनियर होगा तो यह है सीनियरिटी सीनियरिटी टेबल में हम लोग जानते हैं कि ये है सीनियरिटी टेबल में ये लिस्ट है ठीक है इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान ऐसे करना है इस तरह से हम लोग प्लान करना है ऐसे ठीक है अब देखिए अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग में ये हुआ वन और ये हुआ टू और ये हुआ थ्री वन टू थ्री ऐसे नंबरिंग करना टेबल के अकॉर्डिंग अगर ये सीनियर है तो उसके अकॉर्डिंग अगर सीनियर टेबल है तो देखिए जैसे ओच 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 बन 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 गया बन गया तो जो बन गया जूनियर जूनियर तो तो जो इसका नाम जो स्टार्ट होगा ये मेन मेन येन चेन ये हुआ मेन चेन में वन टू थ्री वर्ल्ड रूट और ऐसे समझिए यहां पे वर्ड रूट हो गया प्रो प्रो, प्रो वर्ड रूट वन टू थ्री ये वर्ड रूट हुआ सेचुरेटेड है पूरा सेचुरेटेड है तो प्रोप प्रोप ए एन अलकेन ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका नाम मैंने बताया था कि ओइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड यहाँ से ई हटेगा ए एन ई होता है तो ई हट जाएगा क्यों हटता है वो मैं बताऊँगा आगे अच्छा प्रोपेन ओइक एसिड और ये दो लोग हुए प्रिफिक्स में आएगा तो थ्री थ्री पे जो लगा हुआ है थ्री पे देखिए आज इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी क्योंकि जब जूनियर बनेगा सीनियर है एसिड ग्रुप तो वो सीनियर जो रहेगा वो मेन ग्रुप में उधर जाएगा और जूनियर जो है वो जूनियर ग्रुप बना तो वो प्रिफिक्स में आएगा तो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी तो थ्री हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी टू मिथाइल टू मिथाइल थ्री हाइड्रोक्सी टू मिथाइल प्रोप एसिड ठीक है ये देखिए नेम हो गया तो ये जो आपका प्रीफिक्स ये देखिए वर्ड रूट हुआ ये चेक करते रहिए ये वर्ड रूट है ठीक है ये है आपका प्राइमरी सफिक्स ये है सेकेंडरी सफिक्स और रिंग तो है नहीं ओपन चेन है तो इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं हुआ है बट ये देखिए ये जो यूज हुआ है ये ये लोग जो ब्रांच में लगा हुआ है ये मेन ग्रुप के साथ ये लोग ब्रांचिंग में तो देखिए थ्री पे हाइड्रोक्सी ये थ्री हाइड्रोक्सी ये सफिक्स में हाइड्रोक्सी यूज करना है अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल का देखिए मेन चेन अभी यहां सीनियरिटी देखिए तो इसमें इसमें इस एग्जाम्पल में सीनियरिटी सीनियरिटी टेबल में इसमें इस हम लोग जानते हैं कि ओच ओच ज्यादा सीनियर है सीएल से ऐसे तो देखिए यहाँ पे मेन चेन बनेगा ये थ्री कार्बन मेन चेन सेलेक्ट करना अगला रूल में मैं वो समझाऊंगा आपको और यहाँ नंबरिंग करेंगे सीनियर डबल ये सीनियर है तो इसमें ये सीनियर थे तो यहां से नंबरिंग किया मैंने यहाँ से नंबरिंग करूंगा इसका नाम वन इसका नाम टू और थ्री ऐसे और ये ये देखिए यहाँ पे जो सीनियर है तो वो इस साइड जाएगा वर्ल्ड रूट के इधर और अल्कोहल का मैंने बताया था जो सफिक्स बताया था ओएल एल होता है तो यहां देखिए नेम लिखेंगे तो प्रोप थ्री कार्बन है तो प्रोप सेचुरेटेड है प्रोप ए एन और ये वन वन से अटैच है और वो है ओ एल ओ एल प्रोप ए एन और ओ एल अल्कोहल है तो ओ एल और टू टू से लगा हुआ है क्लोरो टू क्लोरो ऐसे। तो यहाँ देखिए ये सीनियर ये है तो सीनियर है तो इधर गया देखिए ये, ये है वर्ड रूट हुआ ये है प्राइमरी सफिक्स और ये है सेकेंडरी सफिक्स और ये आ जाएगा प्रिफिक्स में ये तो अगर ये सीनियर है अल्कोहल देखिए इसी अल्कोहल का दो नाम अगर ये जूनियर बना तो इसका नाम बन गया हाइड्रोक्सी और ये सीनियर बनेगा तो वो आपको मैंने जो लिस्ट बनाया था सेकेंडरी सफिक्स का उसका नाम था ओएल ओएल तो यहाँ देखिए मैंने ओएल यूज किया है और यही ओएच जब जूनियर बन गया तो यहाँ मैंने हाइड्रोक्सी यूज कर दी तो ये सिखाना था कि आपको सीनियर टेबल जानेंगे जब कंपाउंड के आपके जो फिगर है उसमें अगर दो दो फंक्शनल ग्रुप है दो फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसमें जो सीनियर रहेगा उधर से आपको नंबरिंग करना है ठीक है तो इसमें ये सीनियर हुआ तो ओ एच जूनियर हो गया यहाँ ओ एच सीनियर हो गया तो सी जूनियर हो गया जैसे आप समझिए ये सब हम लोग पहले भी यूज किए हैं हाइब्रिडाइजेशन में जैसे आपको नंबरिंग करना मैं सिखाऊंगा नंबरिंग और डिटेल में इसके बाद सिखाऊंगा मैं पॉइंट जैसे मान लीजिए ये, ये है ये एग्जाम्पल है ये आई में भी पूछा हुआ है एडवांस में पूछा हुआ है हम लोग कई बार पढ़े भी हुए हैं तो ये पूछा गया है आईडी एडवांस में कि बताइए कि C2 और C3 का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए C2 C3 का हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो बहुत आसान है जो कि कई टॉपिक में आपने पढ़ा है बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी कई जगह आपने डिस्कस किया है आईडी एडवांस का है बट आपको C2 C3 पता रहना चाहिए आप देख रहे हैं कि आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ज्यादा सीनियर है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ज्यादा सीनियर है जानते हैं आप तो आपका दोनों साइड है एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है इस साइड डबल बॉन्ड है तो मैं नंबरिंग करूंगा डबल बॉन्ड से क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ये सीनियर है तो वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव ये फाइव नंबर कार्बन है तो ये है C2 और ये है C3 C2 C3 C2 C3 थ्री सी टू सी ठीक है देखिए इसका हाइब्रिडेशन आप जानते हैं sp2 sp2 sp3 और ये है sp sp ऐसे C2 C3 C2 का हाइब्रेशन sp2 C3 का हाइब्रेशन sp3 C2 एंड C3 ये हाइब्रेशन हो गया C2 C3 तो नंबरिंग जानेंगे तब नहीं। जानें ना ये टेबल जानेंगे तभी ये ऐसे क्वेश्चन आप बना पाएंगे या आप पूरे आयोपे में के जो बेस्ट क्वेश्चन है उसमें दो दो ग्रुप रहेगा उसमें कौन सीनियर है कौन जूनियर है सीनियर का नाम क्या है जूनियर का नाम क्या है यही ओ एच जूनियर बन गया तो इसका नाम हाइड्रोक्सी यही ओ एच सीनियर बन गया तो इसका नाम ओ एल हो गया तो ये मैंने सब कुछ समझा दिया वर्ड रूट प्रिफिक्स सफिक्स प्राइमरी प्रिफिक्स प्राइमरी सफिक्स सब कुछ कंप्लीट सेकेंडरी प्रिफिक्स सेकेंडरी सफिक्स अभी मैं नेक्स्ट क्लास ये तो कंप्लीट हो गया एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया नेक्स्ट क्लास में वर्ड रूट जो मेन चेन सेलेक्ट कैसे करना है वो सिखा दूंगा कैसे उसमें नंबरिंग किया जाता है वो मैं समझा दूंगा फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अल्केन है मेन अल्केन में सीखना है लिनर अल्केन है साइक्लो अल्केन है लाइन फिगर है बाईसाइक्लो है स्पायरो है आइसोलेटेड है बाकी अल्केन का ही सारा चीज़ें हर ग्रुप में रिपीट होते रहेगा सो नेक्स्ट क्लास